हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास सिक्स की सामरी। तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे सेवेंथ और एट्थ चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इनकी समरी। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज करें स्टडी आईएएस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड योर स्ट्रैटेजी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, आपकी क्वेरीज बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर सिक्स विच इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो गाइज, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? तो जो लैंडफॉर्म होते हैं ना, वो एक तरीके के नेचुरल फीचर होते हैं ऑन द सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेटियोज हो गए, प्लेन्स हो गए। तो माउंटेन्स आर बीन क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स दैट इज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मतलब आपके माउंटेन्स ट्रांसफॉर्म हुए, उसी हिसाब से इट इज बीन बेस्ड उनके टाइप्स। तो पहला हो गया आपका ब्लॉक फोल्ड माउंटेन्स, फिर ब्लॉक माउंटेन, फिर वोल्केनिक माउंटेन्स। नाउ फिर बात करते हैं प्लेटियो के बारे में। तो प्लेटियो क्या होता है? तो इट इज अ एलिवेटेड एरिया विद अ मोर और लेस लेवल लैंड ऑन इट्स टॉप। देन अ प्लेन इज अ लो लाइंग रिलेटिवली फ्लैट लैंड सरफेस विद अ वेरी जेंटल स्लोप एंड मिनिमम लोकल रिलीफ। तो जो प्लेन होता है वो क्या होता है? इट्स अ लो लाइंग रिलेटिवली फ्लैट लैंड, इट्स अ वेरी फ्लैट लैंड। जैसे आपका माउंटेन ऐसे हो गया, ठीक है, ये है आपका प्लेटियो एंड दिस इज योर प्लेन लैंड, इट्स वेरी प्लेन, ठीक है। और ये मतलब इट हैज अ वेरी जेंटल स्लोप एंड यहाँ पे आपकी जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छी तरीके से हो सकता है। बाकी हिली एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लेटियो पे यू कैन डू दैट। सो नाउ, जैसा कि हम लोगों को पता है, जो हमारी अर्थ है, इट हैज एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म है, जिसमें आपके वोल्केनो आता है, हिल्स आते हैं, ठीक है। हिल्स थोड़े से मतलब इनका जो एलिवेशन होता है थोड़ा, ये थोड़े कम छोटे होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट दैट हाई एज माउंटेन्स आर। देन आपका आइलैंड होता है, कैनियन हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, रिवर है, जंगल है, माउंटेन्स है, मार्शेज है, वाटरफॉल है, प्लेन है। तो ये काफी अलग अलग तरीके की ये वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की विच इज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। सो दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, ये भी ऐसे ही ऑब्टेन नहीं हो गए, देयर आर टू प्रोसेसेस, ठीक है, इनको बिल्डअप होने में। सो विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो अर्थ के अंदर ही अंदर देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स विच आर बीन गोइंग ईच एंड एवरी डे। सो द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस, जो पहली प्रोसेस है, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। गाइस, दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, एक हो गई आपकी इंटरनल, दूसरी हो गई आपकी एक्सटर्नल, ठीक है। तो दो तरीके की प्रोसेस होती है। अब इंटरनल वाले में क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस लीड करती है अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो कुछ कुछ जगह से मतलब अर्थ का मतलब जो हिस्सा है दैट इज बीन अपलिफ्टेड, ओके, एंड द सिंकिंग ऑफ जो अर्थ की सर्फेस है इट्स बीन सिंक्ड। तो कई जगहों से ऐसा हो जाए तो उसको ये वो होती है आपकी पहली प्रोसेस, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, दूसरी प्रोसेस होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इस एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है, इस एक्सटर्नल प्रोसेस में जो कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन है, फिर रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस है। जैसे मान लीजिए बारिश आई, ठीक है, बारिश आई तो ये जो आपकी सॉइल है यहाँ, ये इरोड हो गई, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही मतलब फिर से रीबिल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो यही होता है, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन। जो मतलब ऐसे आपकी जो पानी के बहाव से जो इरोजन है वो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन और रीबिल्ड हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो ये जो दो प्रोसेस है ये कैसे कैरिड आउट होते हैं, दीज आर बींग कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस और विंड, ओके। तो देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस, वन इज योर इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, जिनसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जिनसे ये लैंडफॉर्म्स ऑब्टेन होते हैं।
और दूसरी प्रोसेस है आपकी एक्सटर्नल. आई होप यू विल रिमेम्बर दिस थिंग. ओके, अब बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में. तो माउंटेन्स क्या है? तो माउंटेन्स एक तरीके की नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस पे. सो ये दे हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस एंड इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. ये अपने सराउंडिंग से काफी ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है. और कुछ माउंटेन्स आपके इतने ज्यादा हाई होते हैं कि वो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं. ओके, सो द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर व्हेन वी गो हायर. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम माउंटेन, आपने देखा होगा कि हम जब भी हिली एरिया पे जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो जो आपका क्लाइमेट है, ठीक है, या टेम्परेचर है वो कम होता जाता है. तो ये बन जा, ये कोल्डर होता जाता है, ठीक है. सो इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. अब कुछ माउंटेन्स में क्या है कि परमानेंटली कुछ रिवर्स हैं, दे आर बीन फ्रोजन ओवर देयर, ठीक है, एंड नाउ कैन बी सीन एज आइस. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है. सो नाउ देयर आर सम माउंटेन विच आर डीप अंडर द सी ऑल्सो. अब कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं कि जो समुद्र के अंदर भी हैं, ठीक है. सो ओइंग टू हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज. सो सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. अब माउंटेन्स पे क्या है कि ज्यादा लैंड नहीं होता फार्मिंग के लिए, ठीक है. सो दैट्स वाई वहां पे जो पॉपुलेशन है वहां लोग थोड़े कम रहते हैं. तो माउंटेन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज. अब अगर आपने देखा होगा कि एक लाइन में ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है. ये आपकी रेंज हो जाएगी. जैसे आपने हिमालयस देखे होंगे, एल्प्स हो गए, आपके एंडीज हो गए, ठीक है. दीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली. ओके, सो माउंटेन्स वेर आर इन द हाइट एंड शेप. अब माउंटेन्स में आप डिफरेंस कैसे देख सकते हो? उनकी हाइट से और उनकी शेप से, ठीक है. अब माउंटेन्स में भी क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. एक हो गए आपके फोल्ड माउंटेन्स, फिर ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स. तो जो आपके हिमालयन माउंटेन्स है या फिर आपके आल्प्स हो गए, ये क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है विच आर बीन रग्ड रिलीव्ड एंड हैव अ कोनिकल पीक्स. इनकी जो पीक्स हैं दे आर वेरी हाई एंड कोनिकल. अब जो आपकी अरावली रेंज है इंडिया में, वो एक बहुत पुरानी, इट्स एन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, ठीक है. और फिर आपके अपलचियंस हो गए, ये हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में. और यूरल माउंटेन हो गए आपके रशिया में. दे हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन. अब इनके ये कैसे हैं? ये इनके जो फीचर है दैट इज बीन राउंडेड, ठीक है, और एलिवेशन भी इनका काफी कम है. तो आप लोगों को याद रहेगा नॉर्थ अमेरिका में कौन से और रशिया में कौन से माउंटेन है विच हैव अ वेरी राउंडेड फीचर एंड उनका जो एलिवेशन है वो भी काफी कम है. एंड दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं. ओके, जैसा हमारी अरावली रेंज है जो, ठीक, वो हमारे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में आती है, वैसे ही रशिया के यूरल्स और नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स, दे आर वेरी राउंडेड एंड दे हैव लो एलिवेशन एंड दे आर वन ऑफ द वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में. तो गाइस, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? दीज आर बीन क्रिएटेड इन अ वेरी लार्ज एरिया विच इज बीन ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली. अब एक पर्टिकुलर बहुत मतलब लार्ज एरिया है, ठीक है, जो कि ब्रोक हो जाता है, विच इज बीन ब्रोकन और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली. तो वो डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं? ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं. सो वन ब्लॉक इज बीन अपलिफ्टेड एज अ टर्म एज अ हॉर्स्ट एंड द अदर लोअर ब्लॉक, उसको हम बुलाते हैं ग्रैबन. मतलब एक तो हायर ब्लॉक हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, और दूसरा एक ब्लॉक बिल्कुल अलग सा हो जाता है, ठीक है, लोअर ब्लॉक होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रैबन. जैसे कि आपने देखा होगा राइन वैली में या वॉस जिसमें दीज माउंटेन्स आर इन यूरोप. ओके, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कि ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं. एंड दे आर बीन एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, ब्लॉक माउंटेन सिस्टम का. तो मतलब I can show you here. तो they are like these blocks are been created. Okay, जैसे आपने देखा होगा ना blocks होते हैं, वैसे ब्लॉक से क्रिएट हो जाते हैं. ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. फिर आते हैं आपके volcanic mountains.
तो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. जैसे कि आपका हो गया माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका, और माउंटेन दूसरा है फ्यूजियामा जो कि है आपका जापान में. तो दीज आर बीन द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स. वोल्केनिक माउंटेन्स के ये दो एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, सो नाउ माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल एज वी ऑल नो, क्योंकि ये स्टोर हाउस होते हैं वाटर का. एंड मेनी ऑफ द रिवर्स हैव देयर सोर्सेज लाइक इन द ग्लेशियर्स इन दिस माउंटेन्स, और रिजर्वॉयर्स आर ऑल्सो बीन मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्वॉयर्स भी बनते हैं, और ये जो पानी है दैट इज ऑल्सो बीन हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. तो वाटर जो आपको माउंटेन से मिलता है उसको हम वैसे बेसिकली इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, या जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं. सो द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस, जो आपकी रिवर वैलीज होती हैं और टेरेसेस हो गए, ये एक बहुत आइडियल चॉइस हो गई आपकी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. और जो माउंटेन्स काफी ज्यादा जिनके पास रिच वेराइटी होती है फ्लोरा की फोना की, सो द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर्डर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम रेजन एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें भी हमको यहाँ से मिल जाती हैं. ठीक है, अब बात करते हैं प्लैट्यूज के बारे में. तो प्लैट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. ये क्या एलिवेटेड फ्लैट लैंड है. ठीक है, सो द इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड. इट्स अ मैंने आपको दिखाया था, इट इज समथिंग लाइक दिस. इट्स अ फ्लैट टेबल टॉप लैंड. ठीक है, विच इज स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. सो अ प्लैट्यो में हैव वन और मोर साइड्स. अब इसकी क्या है ना, इसकी या तो एक या एक से ज्यादा भी साइड्स हो सकती हैं. ठीक है, विथ स्टीप स्लोप्स एंड द हाइट ऑफ द प्लैट्योज आर ऑफन वेराइज फ्रॉम 100 meters टू सेवरल 1000 meters. अब इसकी हाइट क्या है, या तो इसकी हाइट 100 meters में हो सकती है या बढ़ के 1000 meters में भी हो सकती है. ठीक है, तो जो प्लैट्यो है आपके दे आर ऑल्सो लाइक माउंटेन्स. जैसे ये यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं. जैसे आपका डेकन प्लैट्यो है इंडिया में, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैट्यो. याद रखेंगे आप लोग, डेकन प्लैट्यो जो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लैट्यो है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज है, बट यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स. सो द ईस्ट अफ्रीकन प्लैट्यो इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लैट्यो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स. अब जैसे आपका तिब्बत प्लैट्यो है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट प्लैट्यो इन द वर्ल्ड, जिसकी जो हाइट है वो है 4000 to 6000 meters अबव द मीन सी लेवल. ओके, जो आपका तिब्बत प्लैट्यो है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तिब्बत प्लैट्यो है, उसकी जो वो प्लैट्यो सबसे ज्यादा हाइएस्ट है, इट इज वेरी हाई, और उसकी हाइट है 4000 to 6000 meters. ओके, सो नाउ योर प्लैट्योज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. तो जो हमारे प्लैट्योज हैं दे आर वेरी यूजफुल क्योंकि ये रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट में. तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज हैं वो कहाँ हैं वर्ल्ड में, वो लोकेटेड ही प्लैट्यो एरियाज में. जैसे आपका अफ्रीकन प्लैट्यो है वो गोल्ड में फेमस है, गोल्ड के लिए है, डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है. ठीक है, अब जैसे इंडिया में देखा है आपने, इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ जैसे आयरन है, कोल है, मैंगनीज है, ये कहाँ फाउंड होते हैं, ये छोटा नागपुर प्लैट्यो में मिलते हैं. तो इन द प्लैट्यो एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स. ये जो प्लैट्यो एरिया है यहाँ पे काफी सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं आपको एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट. ठीक है, तो जैसे इंडिया में आपको हुंडरू फॉल्स देखा होगा आपने छोटा नागपुर प्लैट्यो में, ऑन द रिवर सुवर्णा रेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका. ठीक है, छोटा नागपुर में कौन सा है, हुंडरू फॉल्स. ठीक है, ऑन द रिवर सुवर्णा रेखा, रिमेंबर दिस थिंग, एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका. ओके, सो दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स. सो नाउ द लावा प्लैट्योज आर रिच इन ब्लैक सॉइल. जो लावा प्लैट्यो हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, जो कि बहुत फर्टाइल होती है और कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. अब कुछ प्लैट्यो क्या है, कुछ प्लैट्यो सीनिक स्पॉट्स भी बन गए हैं. ठीक है, जो कि आपके टूरिस्ट के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन भी है. ओके, तो दे आर ऑल्सो बीन They are used as mining, scenic spot भी बन चुके हैं. ठीक है, और कुछ जगह cultivation अच्छी है क्योंकि वहाँ black soil जहाँ पे है वहाँ fertile है वो area. ठीक है, and it is good for cultivation also. So remember these points. अब बात करते हैं plains के बारे में. तो plains क्या है, they are large stretches of flat land. Okay,
not more than 200 meters above mean sea level, but some plains are extremely level and others may be slightly rolling and undulating. So most of the plains are formed by rivers and their tributaries. तो कुछ plains कैसे हैं वो form हुए हैं आपके rivers से या उनकी tributaries से, ठीक है. So the river flows down the slopes of mountains and erode them. तो जो rivers हैं आपके वो जैसे पानी उनका बहता आता है. So the slopes of mountains have been eroded by them. Okay. So they carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt. Okay. So along their courses in their valleys. So it is from these deposits that plains are being formed. तो ये जितने भी ये deposit, जैसे जब भी मतलब वो एक जब वो slopes वगैरह erode होके आ गए एकदम से, ठीक है, जब river के flow के साथ all these things were being eroded. So they are being carried forward. ये जो eroded material था, ये जो जिसमें आपके ये सैंड थे, स्टोन्स थे, ठीक है, सिल्ट थे, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये डिपॉजिट हो गई फिर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पे. दे आर बीन डिपॉजिटेड एंड अलोंग द कोर्सेस एंड इन द वैली. सो इससे क्या हो गया, इट इज लाइक फ्रॉम दीज डिपॉजिट, इन डिपॉजिट की वजह से प्लेन्स आर बीन फॉर्म्ड, उस जगह उस एरिया पे प्लेन्स फॉर्म्ड हो गए, समझे आप लोग. सो दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये जो प्लेन्स होते हैं ये दे आर वेरी फर्टाइल, विच मेक्स इट इजियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, ठीक है. और दूसरा, दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब प्लेन्स एरिया पे क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता ही है दे आर वेरी फर्टाइल ऑल्सो, कंस्ट्रक्शन भी ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, तो चीजें आसान जहां पर होती है वहां ही पॉपुलेशन ज्यादा होती है. सो सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स है, ठीक है, विच आर बीन मेड अप बाय रिवर्स एंड दे आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका. जैसे एशिया में दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया और यांग्तीज इन चाइना. सो दीज प्लेन्स आर लाइक मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड देर इज ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन. अब इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए होती है और खाना चाहिए होता है, ठीक है, तो जो ये प्लेन लैंड है यहाँ पे आप आराम से घर बना सकते हो, ठीक है, और कल्टिवेशन भी हो सकती है, तो ये ह्यूमन्स के लिए एक ईजी पॉइंट हो गया. सो दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा प्लेन एरियाज में होती है. सो बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन एंड इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री. इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं जो दे आर बीन डेंसली पॉपुलेटेड, ओके, हमारे इंडिया में. नाउ लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. So now humans have been living on different kinds of landforms. अब कुछ लोग mountains पे भी रहते हैं, hilly areas में भी रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग plain areas में रहते हैं, तो people are living at different landforms, okay? And life is difficult in mountainous areas, as we all know. जो life है mountainous areas पे ज़्यादा difficult है, as क्योंकि वहाँ पे जो climate है, जो weather है, that is not, you know, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है कभी, जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा भी होता है, नेटवर्क्स भी नहीं होते, सो इट इज वेरी, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. देन प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन्स पे हमें ज्यादा अच्छी कंडीशन मिल जाती है, वहां पे क्रॉप्स इजीली ग्रो सकती हैं, घर आसानी से बन सकते हैं, रोड बन सकती है, एंड दे आर प्लेन देन अ माउंटेन. सो नेचुरल कैलामिटीज सच एज जैसे आपकी अर्थक्वेक हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, दे आर बीन कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो क्वाइट ऑफन वी यूज लैंड फॉर वेस्टफुल पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, ठीक है. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वॉटर मेकिंग देम डर्टी. तो ये जो सारी चीज हम करते हैं, जैसे कूड़ा फेंक देना, ठीक है, और आपका ये जो मतलब वाटर है उसको गंदा करना, तो दिस इज लाइक दिस इज बीइंग वेरी हार्मफुल फॉर अस ओनली. क्योंकि अभी भी आप लोगों को दिख रहा है कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं, नेचुरल कैलामिटीज आर बीइंग हैपनिंग डे बाय डे, एंड इस बार ही कुछ ज्यादा ही हो रही हैं. दिस ईयर हैज बीन, यू नो,
इट विल बी लाइक सबके लिए एक यादगार रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे ही अर्थक्वेक्स भी काफी ज्यादा आए हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फ्लड, स्टॉर्म्स, एंड दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज हमारी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं. वी शुडंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स कि हम लोग जहां रह रहे हैं उसी जगह को गंदा करें. वो हमें नहीं करना चाहिए, उस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए. तो चलिए अब हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा, विच इज ऑल अबाउट आर कंट्री एंड आर कंट्री इज इंडिया. सो वी विल गोना स्टडी अबाउट अ कंट्री. सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, एंड इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयस and the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. तो हमारा जो इंडिया है, it has a very vast geographical expanse, ठीक है, और वो north में bounded है हिमालयस से, फिर Arabian Sea से west में, Bay of Bengal से आप east में, और आपका Indian Ocean है south side. Okay, so India है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का. ओके, नाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस विच इज बाउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयस, ये अभी हमने पढ़ा था, अरेबियन सी है आपका, फिर आपका बे ऑफ बंगाल है, फिर इंडियन ओशन है. तो इंडिया का जो एरिया है वो है करीब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है. सो फ्रॉम द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कश्मीर टू कन्याकुमारी है आपका 3200 किलोमीटर, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, जो कि है आपका 2900 किलोमीटर. सो द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटो सरफेस एंड द कोस्ट and islands, which is these all are present like a diversity of landforms, ठीक है. तो we have हमारे पास mountains भी हैं, ठीक है, great Indian desert भी है, northern plains भी हैं, uneven plateau भी हैं, और coast भी हैं, islands भी हैं. so we have a wide diversity of landforms in our country. so there is a great variety in the climate also, vegetation also, wildlife also, languages also, and culture also. ठीक है, there are a lot of cultures we are adopting in our country. and India has a population of more than 120 crore since year 2011. अभी क्या population है आप लोग मुझे comment box में बताएंगे, ठीक है. I know ज्यादा है, but please फिर भी बताएं जरूर. so it is the second most populous country after China. okay, now India's neighbor. so there are 7 countries that share land boundaries with India. तो करीब से करीब 7 countries हैं जो कि land boundary share करती हैं India के साथ. so political and administrative divisions. तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विच इज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज विच इज नाउ बीन changed. okay, and Telangana became the 29th state of India on 2nd of June 2014. it was previously a part of Andhra Pradesh. Delhi is the national capital, and the states have been formed mainly on the basis of language. jo states hain they have been formed kis basis pe, language basis pe. फिजिकल डिविजन्स की बात कर लेते हैं, तो इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे माउंटेन्स है आपके, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है. तो जो हिमालय है, मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो, तो हिमालयन माउंटेन्स है, दे आर बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस. जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है उनको डिवाइड करा गया है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में, ठीक है. जो नॉर्दर्न मोस्ट है इज द ग्रेट हिमालय, या फिर हिमाद्री भी बोल सकते हैं उसको, एंड वर्ल्ड हाइएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज. जो हमारे वर्ल्ड की हाइएस्ट पीक है वो इसी रेंज में लोकेटेड है. नाउ मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री. जो मिडिल हिमालय है या हिमाचल बोल सकते हैं, वो कहां पर है, वो है साउथ ऑफ हिमाद्री में. तो ये जो आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, दे लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस, ठीक है, एंड दे आर जर्नली लेवल एंड फ्लैट. ओके, सो दीज आर फॉर्म्ड बाई द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स, और वो रिवर्स कौन से आपके, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज.
सो ये जो रिवर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन एरियाज. तो ज्यादा फर्टाइल लैंड की वजह से और कल्टीवेशन की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखी जाती है. ओके, नाउ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो कि ड्राई है, हॉट है, स्टैंडी है. इट्स बीन स्ट्रेच ऑफ लैंड. ओके, तो टू द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो. सो दिस इज अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज. तो योर अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड एंड द विंध्यास. जो आपका विंध्यास है और जो आपका सतपुराज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं. आपके रिवर्स नर्मदा, तापी जो कि फ्लो करते हैं बाय दीज रेंजेस. ओके, एंड दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. ये कहाँ ड्रेन होते हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में. ओके, सो नाउ द वेस्टर्न घाट्स और योर सहायद्री बॉर्डर द प्लेटो इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री. सो नाउ द प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स विच लाइज द कोस्टल प्लेन्स. तो आपके वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट और ईस्ट में आपका ईस्टर्न घाट. ठीक है, यह जहां पे हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, सो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे आर वेरी नैरो और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो मच दैट इज बीन वो काफी ज्यादा ब्रॉड है. तो देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ईस्ट में देर आर नंबर ऑफ रिवर्स विच आर बीन फ्लोन. ठीक है, जैसे महानदी हो गई आपकी, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गया, कावेरी ड्रेन. तो ये सब ड्रेन करती हैं आपके बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, सो दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट द माउथ. जैसे आपके सुंदरवन डेल्टा है वो कहां पर है? इट इज बीन फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो सुंदरवन डेल्टा है वो फॉर्म्ड हुआ है आपका जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में. ओके गाइस, अब बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में. लक्षद्वीप आइलैंड आपके लोकेटेड है इन द अरेबियन सी एंड दीज आर द कोरल आइलैंड्स. ये कैसे आइलैंड्स हैं? दे आर कोरल आइलैंड जो विच आर बीन लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला. ठीक है, एंड द अंडमान है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि लाई करते हैं साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, लक्षद्वीप आइलैंड आर बीन लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बीन लाइंग टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर. अब आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे, इंडिया के वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ पे. गाइस, मैंने दो चैप्टर आपको अभी कंप्लीट करा दिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वट एवर द इशू इज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगी. ओके, तो अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं. इसके खत्म होने के बाद हमारी बुक हो जाएगी कंप्लीट. सो अब इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में. तो इंडिया की क्लाइमेट डिस्क्राइब होती है 4 सीजन में. एक होता है आपका समर सीजन, विंटर, ऑटम एंड मॉनसून. ओके, तो जो विंटर सीजन है इज द सीजन जब बहुत ठंडी पड़ती है, समर सीजन बहुत गर्मी होती है, मॉनसून में बारिश आती है और ऑटम सीजन इज कंसिडर्ड एज द रिट्रीटिंग मॉनसून. ओके, तो जो हमारी वेजिटेशन है इंडिया की वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट में, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो बेसिकली इंडिया इज अ होम टू वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज. ओके, तो इंडिया घर है उन सारी वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए. तो चलिए पहले बात करेंगे सीजन्स के बारे में. तो हमारे जो मेजर सीजन्स हैं, ठीक है, जो हमारे इंडिया में देखे जाते हैं, पहला है कोल्ड वेदर सीजन जो कि हमारा विंटर है जो आता है हमारा दिसंबर टू फरवरी तक. दूसरा है हमारा
गर्मी वाला सीजन, हॉट वेदर सीजन जो कि थोड़ा लंबा चलता है, विच इज मार्च टू मे, एंड देन साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, ठीक है, जिसमें बहुत बारिश होती है, जो चलता है जून टू सेप्टेम्बर, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून जो कि है अक्टूबर और नवंबर में। याद रखेंगे आप लोग ये सर्दी के मौसम कितने हैं, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, और दूसरा समर मार्च टू मई, देन योर रेनी वन द मॉनसून सीजन, ओके साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, ये आता है आपका जून टू सेप्टेम्बर, और फिर है आपके रिट्रीटिंग मॉनसून जो कि आते हैं अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम में, हमारा ऑटम सीजन। चलो कोल्ड वेदर के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो सन रेज है दे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। अब इस रीजन में जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती हैं, क्योंकि पता है ना अर्थ का मूवमेंट और उस मतलब वो स्लांटिंग रेज एंड ऑल दैट विच आई हैव बीन टॉट यू इन द प्रीवियस चैप्टर। सो एज अ रिजल्ट जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफी कम होता है नॉर्दर्न इंडिया में। ओके अब बात करते हैं हॉट वेदर के बारे में, जब बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो इन हॉट वेदर सीजन जो सन रेज हैं दे आर लाइक लेस डायरेक्टली फॉलिंग इन दिस रीजन, लेस और मोर डायरेक्टली फॉलिंग इन दिस रीजन, सो द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। तो इधर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स जिसे हम लू बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब लू चलती है, ठीक है। देन साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, मतलब मानसून आता है जब, ठीक है, तब वी हैव दिस थिंग कि मतलब बारिश होगी काफी ज्यादा, तो ये सीजन तभी स्टार्ट होता है ऑन द मार्क ऑफ दिस। ओके सो द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, जो विंड है वो कहाँ से ब्लो करती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, टूवर्ड्स द लैंड एरिया, फिर दे आर बीन दे कैरी मॉइस्चर विद देम। तो अब इस टाइम पे आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है बिकॉज द मॉइस्चर इज बीन कैरिड आउट विद देम। ओके सो व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, जब यही विंड होते हैं ये स्ट्राइक करते हैं माउंटेन बैरियर्स पे तभी रेनफॉल होता है। अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो विंड्स हैं, ठीक है, अब ये जो विंड्स आई हैं अब ये मूव बैक करती हैं जब, ठीक है, फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, अब ये जो मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, तो इस सीजन को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो जो सर्दर्न पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इस मौसम में रेनफॉल होती है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट है इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। तो जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है दैट हैज बीन ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। तो हमारी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है मॉनसून टाइप में, ठीक है। सो मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, मॉनसून वर्ड का मॉनसून नाम कैसे पड़ा था, अरेबिक वर्ड है मौसम, वहां से वर्ड मॉनसून पड़ा है जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। तो ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो हमारी जो लोकेशन है वो है ट्रॉपिकल रीजन में, तो मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। तो इसी वजह से जो ज्यादातर बारिश होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है मॉनसून विंड्स की वजह से, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन, तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है रेन पे, ठीक है। अगर मॉनसून अच्छा है, गुड मॉनसून में एडुकेट रेन एंड अ बॉन्टिफुल क्रॉप, ठीक है, अगर मॉनसून अच्छा आया है, ठीक है, बारिश अच्छी हुई है, तो मतलब जो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ, सो देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जो हमारी क्लाइमेट है इंडिया की उसमें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं रीजनल डिफरेंसेस में, ठीक है, लोकेशन पे डिफरेंस, ठीक है, जिस मतलब जैसे क्लाइमेट अलग अलग जगह के लिए, जैसे मान लीजिए तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज बीन अफेक्टेड बाय लोकेशन, तो जो क्लाइमेट है लोकेशन मतलब जैसे हमारी लोकेशन ज्यादा पास है या एल्टीट्यूड है या डिस्टेंस है सी से, तो कोई भी ऐसी चीज है उससे क्लाइमेट भी अफेक्ट होती है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ
इन सराउंडिंग लाइक स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा. सो बिसाइड देर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम ऑफ सम विद मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो और सम, सो विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम. तो हमारे यहाँ वेराइटी है प्लांट लाइफ की भी, ठीक है, जैसे स्मॉल प्लांट्स भी हमारे यहाँ जैसे बुशेज हैं, श्रब्स हैं, कैक्टस हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत टॉल ट्रीज भी हैं, ठीक है, तो जिनके मतलब काफ़ी जिनके पास ज़्यादा ब्रांचेस भी होती है, जैसे कि आपकी नीम हो गई, मैंगो हो गई या एंड सम मोर. और कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जिनके पास बहुत कम लीव्स होती हैं, जैसे कि आपकी पाम हो गई. तो दीज ग्रासेस, सो द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. तो ये जो आपके कुछ प्लांट्स होते हैं ना, कुछ जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जिसमें ना तो मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता ह्यूमन्स का, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच आर बीन डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, ये डिपेंड करती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पे. तो अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ड्यू टू वेराइड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. हमारे यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज्यादा है, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ इट. ओके, नाउ व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी. तो फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है, तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी यूजफुल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. प्लांट से रिलीज होता है ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ और ऑब्जर्व करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड. जो रूट्स हैं आपकी प्लांट्स की, दे आर बाइंड विद सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन ऑल्सो. जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें टिम्बर, फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, लाइक है हनी है, गम है, एक्सेप्ट्रा. तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास फॉरेस्ट से, ठीक है. जो फॉरेस्ट हैं दे आर योर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज. अब ये जो हैबिटेट है, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये सब क्यों बिगड़ गया, क्योंकि अब फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं बिकॉज ट्रीज आर बींग कट, क्योंकि बहुत सारे पर्पसेस है, डिफॉरेस्टेशन होता है, या तो जैसे टिम्बर जो हमारे फर्नीचर बनाने के लिए यूज होती है, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर, बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर बन रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर के लिए, तो लैंड ऐसे उनको ज्यादा लैंड की जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, तो इस वजह से फॉरेस्ट को कम करा जा रहा है, जो प्लांट्स है उनको काट दिया जा रहा है, ट्रीज कट रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो भी खराब हो रहा है, ठीक है, वेजिटेशन भी खराब हो रहा है. तो वी शुड हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो. अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में. तो फॉरेस्ट आर द होम टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. तो ये जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, दीज आर दे आर लाइक ये घर है उन स्पीशीज के लिए, उन एनिमल्स के लिए जो यहाँ रहते हैं. जैसे देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स ऑल्सो, एम्फियंस भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, वॉर्म्स भी हैं, जो कि विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट ओनली. अब जैसे आपका टाइगर है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है एंड इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. गिर फॉरेस्ट में विच इज इन गुजरात, इट इज लाइक इट्स अ होम ऑफ एशियाटिक लायंस. देन इज योर एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in Great Indian Desert and the Rann of Kutch respectively. ठीक है, तो ये variety of animals हैं जो कि found होते हैं हमारे various जगह पे. ठीक है, then peacock is a national bird and other common birds जैसे कि parrot है, pigeon है, myna है, geese है, bulbul है, ducks हैं. So there are several bird sanctuaries also which have been created to give birds their natural habitat. Our forest to clear ho rahe hain, so we have to give them, you know, we have to give them natural habitat. Humein kahin to unhe matlab wo karna padega. So there are several sanctuaries also been built in order to this. Okay, so jahan pe aapki ye various birds have been placed. So there are several hundred of species of snake also which are found in India, jaise cobra hai, क्रेट्स हैं, ठीक है, दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमंग दैम. एंड ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग
सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली. अब बहुत से ये तो देने, मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट ज्यादा काटे जा रहे हैं, मतलब पेड़ ज्यादा काटे जा रहे हैं, ठीक है. दूसरा हंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो कुछ स्पीशीज हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं. उनका घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे. सो मेनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट. बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं ऑलरेडी. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, मेनी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. अब इन लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इनका घर तो ले ही रहे हैं, तो फिर उनको बचाने के लिए वी हैव मेड नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज बन गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बन गए हैं, ठीक है. सो द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी करे हैं ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है आपका टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, सेव टाइगर. एंड देन प्रोजेक्ट एलिफेंट है टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. ओके, सो गाइज यहां आपका चैप्टर, सो गाइज नाउ जैसे कि हमारे पूरी 6th एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, ऑल द समरी हैज बीन कंप्लीटेड. सो आई विल बी स्टार्टिंग 7th. सो गाइज हमारे ये तीनों चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और मैं अब स्टार्ट करूंगी 7th एनसीईआरटी से. That I'll gonna do by tomorrow only, ठीक है. कल से हम लोग 7th NCERT start करेंगे, उसकी summary देखेंगे. And guys, if you have any kind of issue, any kind of problem regarding all these chapters, कोई भी question है, कोई भी query है, please comment section में जरूर बताएं, ठीक है. I'll be like, मैं बहुत ज्यादा सो गाइज यहाँ पे हमारे तीनों चैप्टर होते हैं कंप्लीट. सो वी हैव कंप्लीटेड 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, हमने सारे चैप्टर्स कर लिए कंप्लीट. अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दैट. एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. कोई भी क्वेरी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर बताया था, उस पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, जो करना है करें, और पढ़ाई करें, ध्यान लगा के, मन लगा के, बर्न योर मिडनाइट ऑयल. हम लोग मिलेंगे 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक के साथ, उसकी समरी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय.